गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी. मेरा नाम है पूजा. आज की जो वीडियो है ये है स्पेशली फॉर ऑयली स्किन टाइप्स. वैसे तो सारे स्किन टाइप्स के लिए ये अच्छा है जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाली हूँ, जैसे कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा. बट स्पेशली ऑयली स्किन वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल जो फेस पे आता है. मेरी भी ऑयली स्किन है, सो आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम. तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास जो आप इस वीडियो में देखेंगे. एक प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ. बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब. साथ ही साथ आप हिट कर दीजिए बेल बटन को जो एकदम उसके साइड में है, से आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है beauty12creativity. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल रिलेटेड वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल स्टे चार्मिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है VLCC का एस्ट्रिजेंट. सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो VLCC का एस्ट्रिजेंट है. इसका जो नाम है दैट इज़ पुनर्नावा. इट्स नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप्स के लिए है. इस पर लिखा है डिटॉक्सीफाइज एंड कंट्रोल्स ऑयल सीक्रेशन. जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्ने का इश्यूज़ रहता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑयल सीक्रेशन, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है हमारी स्किन उसकी वजह से. तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत हद तक हेल्प करता है. आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम. मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव ऑयल जो मेरी स्किन में होता है. तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है. एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. इसका प्राइस 160 rupees है जो कि बहुत अफोर्डेबल है. और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ऑनलाइन हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाता है. तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं. तो इसके बारे में बता देती हूँ. दिस यूनिक एस्ट्रिजेंट एनरिच्ड विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ आमंड, लेमन, हनी एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, डीप क्लेंजेस, स्टोन्स, रिफ्रेशेस द स्किन. इट हेल्प्स इन टाइटनिंग पोर्स, ऑल्सो वर्क्स एज एंटीसेप्टिक एस्ट्रोजेंट, देयर बाय प्रिवेंटिंग ब्रेकआउट्स ऑफ पिंपल्स इन ऑयली स्किन. तो इसमें नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ करता क्या क्या है. सबसे पहले तो एक्ने का, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्ने जो हमारे स्किन पे ऑयल सिक्रेशन होता है एक्सेसिव, तो ये उसको कंट्रोल करता है. इसको यूज़ करने का मेथड भी मैं आपको बताऊँगी. उसके अलावा नॉट ओनली दैट, जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं वो हमारे स्किन में सब मिलते हैं. किसी के थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं. तो वो जो ओपन पोर्स होते हैं ये उसको श्रिंक करता है. अगर हम इसे रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो उनको जो पोर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, हम इसे रेगुलरली यूज़ करने से वो पोर्स जो होते हैं उसको भी ये श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है विद रेगुलर यूज़. उसके अलावा जो एक्ने की वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं ये उसको भी कंट्रोल करता है. जब आप पार्लर जाते हैं तो आपने देखा होगा जो पार्लर में आपके जो आप थ्रेडिंग कराते हैं उसके बाद कई बार मॉइस्चराइज़र ना अप्लाई करके, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन टाइप, वो एस्ट्रिजेंट अप्लाई करते हैं. बिकॉज़ जो उसके बाद कई बार हमें एक्ने भी हो जाते हैं तो एस्ट्रिजेंट एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. तो हमारे स्किन के लिए, चाहे आपकी कोई भी टाइप की स्किन हो, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये सारे स्किन टाइप के लिए सूट करता है. एट द सेम टाइम इसको यूज़ करने से जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट लगेगा. इसलिए आइज़ के आसपास थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा लगाना, बाकी आँखों के चारों तरफ छोड़ के बाकी सारे एरिया में इसको अप्लाई करना है. तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ उसको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है. सो ये है VLCC का एस्ट्रोजेंट जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, सिर्फ 160 rupees का आता है. इसका ऑनलाइन परचेजिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा. प्राइस कई बार डिस्काउंट प्राइस पे भी मिल जाता है. तो इसको यूज़ करने का मेथड है कॉटन बॉल पे या कॉटन पैड पे, इस तरीके से लीजिए. अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, नेक पर अप्लाई कीजिए. बस जो आँखों के चारों तरफ का एरिया है उसको हमें अवॉइड करना है. और ये थोड़ी देर के लिए बहुत कूल लगेगा, नेगेटिव वे में नहीं, अच्छा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट देता है. और नेक पे, फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए मॉर्निंग एंड इवनिंग में. इस तरीके से इसको यूज़ करना है. दिन में इसको आप जब भी फेस वॉश करें 2-3 बार ज़रूर अप्लाई करें. फेस वॉश करने के एकदम बाद आपको कॉटन पे जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से इसको अप्लाई करना है. उसके बाद जो भी आप मॉइस्चराइज़र जो कुछ भी अप्लाई करते हैं वो आप अप्लाई कर लीजिए. ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसका जो रिव्यू कर रही हूँ. मैंने सोचा कि अगर आप भी सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको भी ये हेल्प कर सकती है, स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन जिनके एक्ने ज़्यादा होते हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगा है तो फटाफट से इसे लाइक कर दीजिए. अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, हो सकता है वो भी सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये उनको भी हेल्प कर दे. बहुत ही इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आता है तो हम सभी इसको यूज़ कर सकते हैं. बाकी कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं तो हम उनको अवॉइड ही करते हैं, पता नहीं कैसे हों. तो इसको तो हम सभी एक बार ट्राई कर सकते हैं. सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छी लगे तो फटाफट से कर दीजिए लाइक. अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्रिएटिव.